नमस्कार, स्वागत है आपका भीलवाड़ा हलचल में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। बढ़ते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। विधानसभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कलेक्टर को पत्र भेजकर जिंदल सौर लिमिटेड पर धूलखेड़ा की पहाड़ी को नष्ट करने व हरे पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए जांच करा दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। पत्र में गुर्जर ने कहा कि मालोला तहसील स्थित धूलखेड़ा में 74 बीघा 5 बिस्वा भूमि पहाड़ी चारागाह के लिए UIT के नाम पर दर्ज है। इस भूमि का किसी को आवंटन नहीं किया गया। इस पहाड़ी पर प्राथमिक विद्यालय भवन बना है। इस पहाड़ी के पास जिंदल सौर लिमिटेड ने अवैध रूप से JCB लगाकर खोदना शुरू किया और ग्रामीणों के पूछने पर उसे आवंटित होने की बात बताई। इस पर ग्रामीणों ने पटवारी से नकल ली तो पता चला कि भूमि का आवंटन जिंदल को नहीं किया गया। पत्र में मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सजा दिलाने के सहित जिंदल को लीज को निरस्त करने व पहाड़ी पर पौधे लगाकर उसे पूर्व स्वरूप में लाने की कार्रवाई करने की मांग की गई है। श्रम विभाग का भीलवाड़ा कमठाना मजदूर संघ ने घेराव करते हुए आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी उनका काम नहीं कर रहे और फाइलें पेंडिंग पड़ी है जिनका निस्तारण नहीं कर रहे और फर्जीवाड़े हो रहे हैं। मजदूर संघ के नेता प्रभाष जोशी के नेतृत्व में मजदूरों ने लेबर कॉलोनी स्थित श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जोशी ने कहा कि श्रम विभाग की लापरवाही से श्रमिकों की फर्जी डायरियां बन रही है जिनकी रोकथाम नहीं की जा रही। छात्रवृत्ति, मृत्योपरांत सहायता, प्रसूति सहायता, सुख शक्ति योजना के पैसे वर्षों से पास हो गए लेकिन मजदूरों के खातों में अभी तक नहीं पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ श्रम विभाग की लापरवाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी के जमकर नारे लगाए। घेराव का आयोजन किया। श्रम विभाग ने कमठाड़ा मजदूरों के काफी समय से पेंडिंग काम को यहाँ लेकर के बैठे। अधिकारी काम नहीं कर रहे, समय पर फर्जीवा पड़े हैं, वर्षों से लंबे थे। बार बार एतराज लगा के उनको टालते रहना, ये करना, वो हो नहीं रहे। छात्रवृत्ति बच्चों को इंकरेज करने के लिए आप छात्रवृत्ति दे रहे हो, 3-3 साल से छात्रवृत्ति के पैसे नहीं मिले। मृत्यु हो गई लोगों की, 20 फार्म ऐसे पेंडिंग है जिनको 2-2 साल हो गए भरे हुए, तो बेचारे आश्रितों को क्या स्थिति बनती होगी। शुभ शक्ति योजना में बच्चों की कौशल विकास के लिए 3-3 साल से फार्म पड़े हुए भौतिक सत्यापन। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से 10 अक्टूबर से 2 दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना रोडवेज बस स्टैंड पर धरना शुरू किया गया। श्रमिक संगठन वेतन पेंशन का भुगतान हर माह के प्रथम कार्य दिवस को सुनिश्चित करने, राज्य सरकार द्वारा रोडवेज को सारा बकाया भुगतान करने, रोडवेज कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने व पेंशन पुनरीक्षित करने, जून 2016 से सितंबर 2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके 3600 श्रमिकों व कर्मचारियों को सभी बकाया भुगतान दिलाने, निजी बसों को अनुबंध लेने का निर्णय निरस्त करने व 1500 नई बसें खरीदने के लिए अनुदान देने, 8000 से ज्यादा खाली पड़े पदों को भर्ती प्रक्रिया से भरने, दीपावली से पहले बोनस व एक्सक्रीशिया देने, महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान करने, भाजपा सरकार द्वारा अराष्ट्रीयकृत दिए गए मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने, राजस्थान बस अड्डा विकास प्राधिकरण अधिनियम को रद्द करने सहित राजस्थान लोक परिवहन सेवा सहित सभी तरह के निजी बसों को रोडवेज बस स्टैंडों से 2 से 5 किलोमीटर दूर संचालित करने की मांग कर रहे हैं। अगर हमारी प्रदेश में सरकार बन जाती है तो तुरंत रोडवेज कर्मियों की मांगों का निस्तारण किया जाएगा। हम उसी आज 9-10-11 महीने हो गए सरकार को, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमें कुछ सरकार द्वारा दिया जा रहा है और हमारे तनख्वाह भी रोक दी गई है सरकार से। पॉक्सो एक्ट 2 के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाडिया ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित रामपुरिया बनेड़ा निवासी हरिश्चंद्र पुत्र ओम प्रकाश भाटी को 10 साल की कठोर कैद और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया। इसी मामले में राजू माली व सावर सिंह दरोगा को न्यायालय ने दोष मुक्त किया। तो
हिंदू संगठनों ने रियलिटी शो बिग बॉस में भारतीय संस्कृति का अपमान करना मानकर अश्लीलता परोसने के विरोध में सलमान खान का पुतला फूंककर विरोध जताया। हिंदू संगठन के विनीत द्विवेदी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग की है कि इस कार्यक्रम को प्रतिबंधित करें। इससे पहले सूचना केंद्र पर हिंदू संगठनों ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। रियलिटी शो के नाम पर बिग बॉस में खुलेआम भारतीय संस्कृति का अपमान करते हुए अश्लीलता परोसी जा रही है। जिस तरह बहन बेटियों के खुलेआम लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीरी मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा है, बजरंग दल राष्ट्रीय बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करता है और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग करता है कि वो अपनी आंखें बंद कर इस तरह के जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसी कार्यक्रम के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में प्रसूताओं से आभूषण ठगने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को सोनोग्राफी कराने आई एक महिला से 2 तोला सोने के आभूषण ठग महिला फिर से ले उड़ी। भगवानपुरा निवासी गणपत लाल खारोल की पत्नी तारा महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में पहुंची, जहां महिला के थैले से आभूषण लेकर ठग महिला फरार हो गई। अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आधा दर्जन से ज्यादा बार हो चुकी है और इसकी शिकायत भी की तो पीएमओ डॉक्टर अरुण गोड ने करीब 1 माह पहले कैमरा लगने की बात कही, लेकिन अब तक वहां कैमरे नहीं लगाए गए। 9:30 बजे सुबह का नाम आई और टाक तो भी नहीं सर्व समाज की ओर से पुर के मकानों में आ रही दरारों के मामले में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी को समर्थन देते हुए जिंदल का पुतला फूंका गया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए लोगों ने 5 से 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी दी कि भीलवाड़ा बंद कर आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे और विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी को समर्थन देते हुए जिंदल के पुतले के सामने प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड ने तीर चलाकर जिंदल के पुतले का दहन किया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों सहित विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा की 36 संस्थाओं ने मिलकर भीलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी जी का समर्थन किया और आज के रावण भीलवाड़ा के जो रावण है जिंदल उसका पुतला दहन करके प्रशासन और राजस्थान सरकार अशोक गहलोत का विरोध जताया और कड़ी निंदा करते हुए अशोक गहलोत को एक चेतावनी देते हैं, अगर 5-7 दिनों में अगर इसका कोई निर्णय नहीं लिया तो इसे भीलवाड़ा बंद करके जमकर विरोध किया जाए। महात्मा गांधी चिकित्सालय में मनोरोगियों की बीमारी लक्षण व उपचार पर शोध करने के लिए सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर एसपी आगीवाल ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में कल से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में हमने एक इंटेलेक्टिव सेशन ऑन सुसाइड एंड इट्स प्रिवेंशन रखा था। आज RVRS मेडिकल कॉलेज के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स के साथ भी इसी तरह का एक इंटेलेक्टिव सेशन दोपहर रखा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भीलवाड़ा हलचल। नमस्कार।